नमस्कार दोस्तों दोस्तों कभी कभी वीडियो अपलोड होने के बाद 10 या 15 मिनट के अंदर कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से वीडियो रिमूव कर ली जाती है। और इसके लिए आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। एक फोटो था जिस पे आज कॉपीराइट आया और जिसकी वजह से वीडियो रिमूव करनी पड़ी। हालांकि कॉपीराइट वाला फोटो हटा लिया गया है और चीन नेपाल पर बनी ये वीडियो बात सच है चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। इस कष्ट के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, धन्यवाद। सो सुनार की एक लुहार की बात अगर कहीं लागू होती है तो वह भारत और पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत एक बार में ही उसे महीने भर के लिए तशरीफ की दुकान दे देता है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान 8 महीनों की दो फटक से इतने बौखलाए हुए हैं कि यह उस शिमला समझौते को तोड़ने की ही योजना बनाने लगे हैं जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब अमेरिका ने शिमला समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। दक्षिणी एवं मध्य एशिया मामलों की अमरीकी कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री जी वेल्स ने कहा कि अमरीका शिमला समझौते के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता है। वेल्स ने कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता में सबसे बड़ी बाधा सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां हैं। इन आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों पर विराम नहीं लगाता तब तक दोनों देशों के बीच वार्ता सफल नहीं हो सकती है। वेल्स ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि लश्करे तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को संरक्षण देना तत्काल बंद करें। उन्होंने कहा कि दोनों आतंकवादी संगठन नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में शिमला समझौते के उपबंधों के आधार पर बात करने में अड़चन उत्पन्न होगी। वेल्स ने कहा कि हमारा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सफल वार्ता के लिए उसे आतंकवादियों के खिलाफ अपरिवर्तनीय कदम उठाना अनिवार्य है। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोनों देशों को नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता कायम रखने का आह्वान किया है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद को रोका जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर नजर बनाए हुए हैं। विभाग ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर हालिया गोलाबारी की घटना उनके संज्ञान में है। अमेरिका की यह पहल ऐसे समय हुई है जब भारत पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा जारी है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने रविवार देर रात राजौरी पुंछ और शाहपुर सेक्टर में भारी गोलाबारी की है। उधर भारतीय सेना ने भी सीमा पर जवाबी फायरिंग की है। भारतीय सेना ने करमारा गांव में 3 पाकिस्तानी मोर्टार को निष्क्रिय कर दिया। ये गोले आबादी क्षेत्र में गिरे थे। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने गुलाम कश्मीर के तंगधार सेक्टर में आतंकी कैंपों को निशाना बनाया था। आतंकी ठिकानों पर यह बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर भारी गोलाबारी कर रहा है। भारतीय सेना ने शनिवार और रविवार की रात को नियंत्रण रेखा पर तंगधार सेक्टर के सामने स्थित गुलाम कश्मीर के भीतर आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर तोपखाने से हमले किए। इस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। भारतीय सेना का दावा है कि इस हमले में 3 आतंकवादी शिविरों एवं बड़ी तादाद में आतंकवादियों की साजो सामान नष्ट किए गए हैं। इस बीच पाक सेना की तेज हुई हलचल के कई संदेश भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने पकड़े हैं, जिनमें किसी बड़े हमले का जिक्र किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद से ही पाक हर मोर्चे पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर विफल साबित हो चुका है। इसलिए वह आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करवाकर हालात को खराब करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई में बौखलाहट है। इस मसले पर दुनिया के किसी बड़े मुल्क का साथ नहीं मिलने से हताश पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर 77 दिनों में 300 से अधिक बार सीज फायर तोड़ा है। असल में पाकिस्तान इस गोलाबारी की आड़ में सर्दियां शुरू होने से पहले कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। हालांकि भारतीय सेना की मुस्तैदी से वह अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।